नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट PCM में। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 11 से हल बताएंगे और 11 से लेकर के साथियों में आपको प्रश्न संख्या जो है 15 तक के हल बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि इससे नेक्स्ट आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ये प्रश्न संख्या 11 है साथियों और 11 से लेकर के मैं आप लोग को 15 तक के हल बताऊंगा। आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर ये 12 है, 13 है, उसके बाद यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 14 है, ये 15 है आपका। उसके बाद शेष क्वेश्चन जो बचता है साथी उसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद इसका एक वीडियो और आएगा, वहाँ पर वो प्रश्नावली फिनिश हो जाएगा उसके बाद। तो चलिए आज के प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में साथियों हमें जो है ELHS लेकर के RHS हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग ELHS लेकर के सिद्ध करते हैं। ELHS लेने पर और ELHS आपका क्या है साथियों, cot थीटा बटे cosec थीटा प्लस वन, उसके बाद प्लस cosec थीटा प्लस वन बटे में cot थीटा, ये आपका ELHS पक्ष दिया गया है साथियों। अब इसी पक्ष से हमें 2 sec थीटा हल करके लाना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, cot थीटा के जगह पे साथियों मैं लिख देता हूँ cos थीटा बटे sin थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि इसका फार्मूला होता है। उसके बाद बटे cosec थीटा के जगह पे साथियों 1/5 sin थीटा लिख सकता हूँ, प्लस वन तो प्लस वन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लस है प्लस लगाएंगे, यहाँ पर भी cosec थीटा के जगह पे आप लिख सकते हैं 1/5 sin थीटा, तो 1/5 sin थीटा, उसके बाद प्लस वन है प्लस वन लगाएंगे, बटे cot थीटा के जगह पे आप लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, ये चीज़ आप लिख सकते हैं साथियों। तो यानी कि ये हमारा दूसरा स्टेप हल होकर आएगा। अब उसे इसके बाद इसे आगे हल करते हैं तो हमें मिलेगा cos थीटा बटे sin थीटा, ये हमारा ऊपर वाला पक्ष है, उसके बाद में बटे में ये हमारा हो जाएगा साथियों 1+ sin थीटा बटे sin थीटा, ये हमारा इसको सॉल्व करने पर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी हमें मिलेगा 1+ sin थीटा, 1+ sin थीटा बटे में sin थीटा है तो sin थीटा बटे cos थीटा बटे sin थीटा, इस प्रकार का आपका दिया गया है। अब यहाँ पर साथियों जो कैंसिल हो सकता है मैं उसे कैंसिल करता हूँ, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा और इसमें भी sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा cos थीटा बटे 1+ sin थीटा, क्या बचेगा प्लस, यहाँ पर बचेगा 1+ sin थीटा बटे cos थीटा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर शेष बचेगा। अब यहाँ पर हम LCM लेते हैं तो LCM लेंगे तो हमारा हो जाएगा cos थीटा ब्रैकेट में 1+ sin थीटा, ये हमारा LCM हो जाएगा साथियों, 1+ sin थीटा इंटू cos थीटा इसका LCM हो जाएगा, cos थीटा इंटू 1+ sin थीटा इसका LCM हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस ऊपर आपको मिलेगा 1+ sin थीटा का होल स्क्वायर, इस प्रकार आपको ऊपर मिलेगा। अब इसको आगे हल करते हैं तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस, ये साथियों आपका लिखा है प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी इसको आप तोड़ कर लिखेंगे, इसे आप तोड़ेंगे साथियों तो इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 sin थीटा, इस प्रकार से इसको तोड़ेंगे प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, इस प्रकार मिलेगा। उसके बाद में बटे में आपका जो दिया गया है उसको लिख देंगे cos थीटा, उसके बाद ब्रैकेट में 1+ sin थीटा, ये दिया गया है। उसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको एक तरफ कर लेंगे, उसके बाद प्लस 1, उसके बाद प्लस 2 sin थीटा, यहाँ पर इसको एक तरफ कर लेंगे, बटे
बटे में आपका कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, इस प्रकार से दिया गया है। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे एक लिख सकता हूँ, ये फार्मूला है। उसके बाद प्लस वन, तो यहाँ पर प्लस वन दिया गया तो प्लस वन लिख लेते हैं। प्लस टू साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा लिखेंगे साथियों। उसके बाद में बटे में कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका दिया गया है। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको इसको जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका प्राप्त हो जाएगा साथियों। उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा बटे बटे में कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका है 2 अपॉन कॉस थीटा, और 2 अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साथियों 2 sec थीटा, 2 sec थीटा, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ इसको। तो बस यही था इस प्रश्न का हल। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ पाए होंगे। तो एक बार अगर आप इसको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न का हल थोड़ा काफ़ी लॉन्ग है साथियों, वैसे प्रोसेस तो ईजी है। तो ये रहा इस प्रश्न का हल। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे साथियों। ये है प्रश्न नंबर 12। इस प्रश्न में दिया गया है रूट में 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इज इक्वल sec a प्लस tan a, हमें यही सिद्ध करके लाना है। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग सिद्ध करते हैं, देखते हैं आता है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले LHS पक्ष ले लेते हैं साथियों। तो साथियों मैंने LHS पक्ष ले लिया है और उसको फाइनली लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करके ये पक्ष लाएंगे। तो साथियों यहाँ पर क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। तो परमीकरण करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो परमीकरण किस प्रकार किया जाता है, जो चीज़ हर में लिखा होता है उसका चिन्ह बदल करके जो है उससे अंश और हर दोनों में गुणा करना पड़ता है। तो चलिए चिन्ह बदल करके अंश और हर में दोनों में गुणा कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ परमीकरण करने पर, परमीकरण करने पर, तो परमीकरण करेंगे हम लोग अब। तो यहाँ पर जो है साथियों 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए, ये दिया गया है। अब मैं चिन्ह बदल करके अंश और हर में इसे गुणा करता हूँ तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, मैंने अंश और हर में उससे गुणा कर दिया साथियों। अब देखते हैं इसका सीधा सीधा गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो साथियों जब इसका सीधा सीधा गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा रूट में, ये हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं तो इसको लिखूंगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, उसके बाद में बटे में साथियों ए प्लस बी, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है साथियों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा होगा रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा साथियों। उसके बाद अब यहाँ से देखिए साथी, हम आप लोग को फार्मूला बताते हैं कि फार्मूला आप लोग को पहले बता भी चुके हैं। आप लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर ये बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये सूत्र होता है आपका। तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये। उसके बाद अब यहाँ पर साथियों इन दोनों से स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, यानी कि वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब इसको मैं अलग अलग फॉर्म में लिख देता हूँ तो हमको मिलेगा 1 अपान
कॉस ए यानी वन अपान कॉस ए अलग, साइन ए अपान कॉस ए अलग बटे साइन ए अपान कॉस ए हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद साथियों आप लोग जानते हैं वन अपान कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है, प्लस साइन ए साइन अपान कॉस ए किसके बराबर होता है साथियों, टेन ए के बराबर होता है। तो यानी कि हमें यही सिद्ध करना था, तो अब हम लिख देंगे अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, हमें यही सिद्ध करके लाना था, हमने सिद्ध करके ले आया। आप लोग देख सकते हैं सेक ए प्लस टेन ए, तो मेरा सिद्ध होकर आया क्या है सेक ए प्लस टेन ए। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ पाए होंगे। आप चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर तीसरे पे, प्रश्न नंबर तेरह पे। साथियों ये प्रश्न नंबर तेरह है, इस प्रश्न में दिया गया है कॉस ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स वन अपन टेन ए प्लस कॉट ए, यानी कि हमें इसी को सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पर भी इसको सिद्ध करने के लिए मैं एल एच एस पक्ष ले रहा हूँ, एल एच एस लेने पर, तो एल एच एस को ले करके आर एच एस सिद्ध करके लाएंगे हम सभी लोग। तो चलिए अब हम लोग पहले एल एच एस पक्ष लिख लेते हैं। तो ये है साथियों आपका एल एच एस पक्ष, इस पक्ष को लेकर के हमें आर एच एस पक्ष को सिद्ध करके लाना है, यानी कि वन अपन टेन ए प्लस वन अपन कॉट ए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। साथियों यहाँ पर मैं जो है इसमें भी एक चेंज करेंगे, इसमें भी एक चेंज करेंगे, तो दोनों में एक एक चेंज करके लिखते हैं। तो कॉस ए के जगह पे मैं लिख सकता हूँ वन अपान साइन ए साथियों, उसके बाद में माइनस साइन ए तो माइनस साइन ए कर देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए के जगह पे वन अपान कॉस ए लिखेंगे साथियों, वन अपान कॉस ए माइनस कॉस ए है तो कॉस ए लिख देता हूँ। अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं बटा एक कर सकता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे भी बटा एक कर सकता हूँ। इसको एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा हमें प्राप्त होगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए उसके बाद में बटे में साइन ए है तो साइन ए लिखा जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, उसके बाद इसको लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए है तो कॉस ए लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको सूत्र प्राप्त होगा। अब यहाँ पर साथियों इसके बराबर हमारा सूत्र होता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए है तो साइन ए लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुणा छिपा हुआ साथियों ब्रैकेट के बीच में, तो गुणा लगाएंगे, उसके बाद वन माइनस कॉस स्क्वायर ए यह हमारा साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर ए लिख दूंगा, साइन स्क्वायर ए उसके बाद में बटे में कॉस ए है तो कॉस ए लिखा जाएगा। अब यहाँ पर साथियों कैंसिल करते हैं तो कॉस ए से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर साइन स्क्वायर से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक कॉस बच गया साथियों, कॉस ए और यहाँ पर एक साइन बच गया, यहाँ पर एक कॉस बचा यहाँ पर एक साइन बचा, क्योंकि यहाँ पर एक ही एक कैंसिल हुआ स्क्वायर से, एक कॉस से एक स्क्वायर से कैंसिल हुआ है, एक साइन से एक साइन स्क्वायर से कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पर एक कॉस बचा यहाँ पर एक साइन बचा, तो कॉस ए इंटू साइन ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद साथियों तो यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को साथियों इसके बराबर ये नहीं हल हो पाएगा, इसलिए मैं इसको बराबर बराबर करके हल कर देता हूँ, यानी कि जहाँ तक मैंने इसको हल किया है वहीं तक के दूसरा पक्ष लेकर के हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर साथियों मैंने इस पक्ष को एल एच एस पक्ष को हल करके लाया है कॉस ए इंटू साइन ए, तो यहीं पर मैं इसे मान लेता हूँ समीकरण एक। उसके बाद अब इसके आगे साथियों मैं आर एच एस पक्ष हल कर देता हूँ, अब आर एच एस पक्ष भी हम यहाँ तक हल करेंगे, उसे मान लेंगे समीकरण दो, तो समीकरण एक और दो से हम कह सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। तो चलिए अब इतना ही हम लोग साथियों आर एच एस पक्ष को हल कर लेते हैं। तो आर एच एस हमारा क्या दिया गया, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आर एच एस पक्ष लेने पर, और आर एच एस पक्ष आपका क्या दिया है वन अपान टेन ए प्लस कॉट ए, साथियों क्या है वन अपान टेन ए प्लस कॉट ए, ये चीज़ आपका दिया गया है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ साथियों वन अपान टेन के जगह पर मैं लिख सकता हूँ साइन ए बटे कॉस ए, उसके बाद प्लस कॉट ए के जगह पर लिख सकता हूँ कॉस ए बटे साइन ए, ये मैं लिख सकता हूँ साथियों। उसके बाद इसको देखते हैं यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे साथियों, तो ये एलसीएम हो जाएगा
कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा ऊपर प्राप्त होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हमें ऊपर प्राप्त होगा। उसके बाद में ऊपर एक है तो ऊपर एक लिखा जाएगा साथियों। अब उसके बाद इसको आगे हल करते हैं तो वन अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसके सूत्र होता है, बटे में कॉस ए इंटू साइन ए है तो कॉस ए इंटू साइन ए लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से इतना आपको लिख दिया जाएगा। अब ये पच बटे के बटे है साथियों, तो ये ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा कॉस ए इंटू साइन ए, और इसके नीचे बटा एक आएगा तो बटा एक का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। बटा एक ये ऊपर जाएगा तो इसके नीचे बटा एक बचा तो बटा एक का मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ पर आप इसे मान लेंगे समीकरण दो, और आर एच एस पच लेकर के इतना समीकरण दो हल किए हैं, और समीकरण एक भी इतना ही आया था कॉस ए इंटू साइन ए, समीकरण दो भी उतना ही आया है। तो अब हम समीकरण एक और दो से कह सकते हैं अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण एक व दो से एल एच एस बराबर आर एच एस, ये चीज़ हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 13 का हल समझ गए होंगे। तो साथियों इस प्रकार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। साथियों ये है प्रश्न नंबर 14 आपका। इस प्रश्न में कहा गया है वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टेन स्क्वायर ए, यानी कि इस क्वेश्चन में दो पक्ष दिया गया है साथियों, और दोनों पक्ष को हल करके तीसरा पक्ष लाना है आपको। यानी कि एक बार इसको लीजिए और इसको लेकर आइए, फिर इसको एक बार इसको लीजिए इसको लेकर हल करके लाइए। तो चलिए पहला भाग लेते हैं उसके बाद दूसरा भाग हल करेंगे। तो चलिए पहला भाग लेने पर साथियों ये पहला भाग है, इस भाग को अब हम लोग हल करेंगे और इस भाग को लेकर आएंगे हल करके। तो चलिए उसके बाद दूसरा भाग लेंगे इसको हल करके लाएंगे। तो पहले भाग को हल करते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा आप लोग। साथियों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वन प्लस टेन, टेन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साथियों साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, क्योंकि टेन का सूत्र होता है साइन ए बटे कॉस ए। तो मैंने स्क्वायर था स्क्वायर करके लिख दिया, उसके बाद में बटे वन प्लस क्वाट ए की जगह पे लिख सकता हूँ साथियों कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, ये मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद अब इसे हल करेंगे तो इसे मैं लिख सकता हूँ साथियों, इसको एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, बटे में कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद बटे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बटे में साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए लिख दिया जाएगा। उसके बाद साथियों आगे हल करते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बात कुल मिलाकर वही चीज़ है, यानी कि सूत्र आपका होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है, इसके बराबर एक होता है। तो साथियों ये चाहे पहले कॉस लिखा हो या पहले साइन लिखा हो तब भी आपका आंसर एक ही होगा। तो मैं इसके जगह पे एक लिख सकता हूँ तो वन अपान और यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह पर मैं एक लिखूँगा तो एक लिख देता हूँ, उसके बाद में बटे में साइन स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस स्क्वायर ए का गुणा एक में होगा तो कॉस स्क्वायर ए कन्यम कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साथियों साइन ए बटे टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए बराबर टेन ए होता है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए की जगह पे आपका टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हमने साथियों एक पक्ष को ले आया सिद्ध करके, देखिए हमारा मैंने पहला भाग लिया था, पहला भाग को लेकर के टेन स्क्वायर ले आया, आप लोग देख सकते हैं
मैंने पहला भाग लेकर के टेन स्क्वायर सिद्ध करके लाया है। अब दूसरा भाग लेते हैं, तो दूसरा भाग को भी हल करके टेन स्क्वायर लाएंगे साथियों। तो चलिए दूसरा भाग लेते हैं, तो ये दूसरा भाग है साथियों। अब दूसरे भाग को भी हल करके टेन स्क्वायर लाना है, तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, वन माइनस टेन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साथियों साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए लिख सकता हूँ। उसके बाद टेन की जगह पे मुझे क्या लिखना है साथियों, साइन ए बटे कॉस ए, तो साइन ए बटे कॉस ए लिख दिया गया। बटे वन माइनस क्वाट की जगह पे क्या लिख सकते हैं साथियों, कॉस ए बटे साइन ए लिख सकता हूँ। तो मैंने कॉस ए बटे साइन ए लिख दिया साथियों, इस प्रकार से मैंने ये चीज़ लिख दिया। अब चलिए इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राप्त होगा साथियों कॉस ए माइनस साइन ए, ये हमें प्राप्त होगा। बटे बटे में कॉस ए है तो कॉस ए लिखा जाएगा। उसके बाद में फिर में बटे में यहाँ पर ये हमारा क्या लिखा जाएगा साथियों, ये हमारा लिखा जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, बटे बटे में साथियों साइन ए है तो साइन ए लिखा जाएगा। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। उसके बाद इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे साथियों, आगे इसको हल करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है देखिए, यहाँ पर अंश का अंश देखिए, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। तो ये प्राप्त होगा साइन ए इंटू, एक मिनट साथियों, हाँ साइन ए इंटू, उसके बाद ये दूसरा आपका प्राप्त होगा ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। उसके बाद में बटे में इसका गुणा ऊपर वाले में हुआ है तो साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए हो गया। अब इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद साथियों इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर साथियों मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद में इसको अलग अलग करके लिखूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ साथियों, इसको लिख सकता हूँ अलग साथियों, अलग लिख सकता हूँ कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह पे टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद में इनटू, अब साथियों इसको मैं जो है फार्मूले के रूप में तोड़ता हूँ, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद माइनस में टू साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा इसको ब्रैकेट के रूप में सूत्र के रूप में तोड़ने पर प्राप्त होगा। उसके बाद में बटे में साथियों ये इसको तोड़ेंगे तो ये भी इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए इंटू कॉस ए, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं आप सभी लोग। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको तो टेन स्क्वायर ए इंटू, साथियों यहाँ पर साइन स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को बाद में लिख देता हूँ माइनस टू साइन ए इंटू कॉस ए ब्रैकेट बटे में, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा इसका प्राप्त होगा साथियों। अब हमारा ये चीज़ पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बटे में है सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए आपका यहाँ पर शेष बच गया। और आपको लाना क्या था, टेन स्क्वायर लाना भी था, यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न में देख सकते हैं। तो यानी कि दूसरा भाग लेने पर भी टेन स्क्वायर आया। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः
समीकरण जो है, यहाँ पर समीकरण तो नहीं माना गया, लेकिन साथियों भाग एक और दो से हम कह सकते हैं कि पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग, क्योंकि यहाँ पर मैंने तीनों बराबर सिद्ध करके लाया है। आप लोग एक बार देख सकते हैं, उसके बाद इधर वाला भाग देख सकते हैं। तो यानी कि दोनों भाग को हल करने पर तीसरे भाग के बराबर आया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अतः पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग, ये आपका प्राप्त हो जाएगा साथियों। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 15 पे। साथियों ये प्रश्न नंबर 15 है। इस प्रश्न में दिया गया है 1 + sec a बटे sec a बराबर sin² a बटे 1 - cos a। ये प्रश्न हमारा दिया गया है। अब इस प्रश्न की सहायता से हमें LHS को लेकर के RHS सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। LHS ले लीजिए यहाँ पर, तो LHS आपका है 1 + sec a बटे sec a। यही चीज़ हमें लेकर के सिद्ध करना है साथियों। चलिए इस प्रश्न को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 + sec a की जगह पे लिख सकता हूँ साथी 1/cos a, उसके बाद में बटे में sec की जगह पे 1/cos a लिख सकता हूँ, तो 1/cos a मैंने लिख दिया। उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा cos a + 1/cos a बटे में 1/cos a प्राप्त होगा। ये चीज़ हमें प्राप्त होगा साथियों। उसके बाद अब यहाँ पर साथियों ये बटे में बटे के बटे है, तो अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा होगा। तो इस प्रकार इसका गुणा होगा, तो ये हो जाएगा cos a उसके बाद cos a + 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, उसके बाद में बटे में cos a एक अन्य में cos a हो जाएगा साथियों। ये चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अब आप क्या यहाँ पर साथियों क्या प्राप्त होगा, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, तो आपको प्राप्त होगा cos a + 1। इसे समीकरण 1 मान लीजिए साथियों, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों पक्ष बराबर सिद्ध करके लाना है। तो यानी कि हम LHS को हमने सिद्ध किया कहाँ तक के, cos a + 1 तक के। अब इसी प्रकार साथियों RHS को भी सिद्ध कर देता हूँ यहाँ तक, यानी कि अगर RHS को भी मैंने सिद्ध करके यहाँ तक ले आता हूँ तो हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। तो अब चलिए इस साइड में मैं RHS को सिद्ध कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ RHS लेने पर तो RHS क्या है साथियों, sin² a / 1 - cos a दिया गया है। अब इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे हम सभी लोग। तो आप लोग जानते हैं कि sin² का सूत्र होता है, sin² बराबर होता है साथियों 1 - cos² a / 1 - cos a, ये हो जाएगा साथियों। उसके बाद अब हम क्या करते हैं साथियों, ये हमारा सूत्र के रूप में लिखा है, ये माइनस बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर भी अगर कर दिया जाए तो ये हमारा सूत्र बन गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + cos a उसके बाद में एक ब्रैकेट में 1 - cos a दूसरे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, उसके बाद में बटे में आपका 1 - cos a दिया गया, तो 1 - cos a लिख दिया जाएगा। 1 - cos a से 1 - cos a कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त हो 1 + cos a, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब साथियों आप लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 देख लीजिए कि दोनों पक्ष बराबर सिद्ध होकर आया है। तो अब आप लोग कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से बता सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं, LHS बराबर RHS, यही हमें सिद्ध करना था साथियों। तो हमने सिद्ध कर दिया, यहाँ पर
एक पक्ष लेकर के दूसरा पक्ष नहीं हल हो सकता है, इसलिए मैंने इस पक्ष यहाँ पर दोनों पक्ष को बराबर बराबर हल करना पड़ा साथियों। तो बस यही था इस प्रश्न का हल। तो आज की इस वीडियो में हमने साथियों आप लोग को प्रश्न नंबर 11 से लेकर 15 तक के हल बताया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में साथियों आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक के हल बताएंगे। उसके बाद ये प्रश्नावली हमारा फिनिश हो जाएगा साथियों। तो यानी कि 8.4 का एक वीडियो और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका साथियों एंड हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।